दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। दोस्तों गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। दोस्तों गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मों के बारे में बताया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको गीता के कुछ ही प्रसंग बताने वाले हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया शिक्षा ले सकते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, यानी अगर मनुष्यों में ये दुर्गुण मौजूद हैं तो वह मनुष्य जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। कौन से वो दुर्गुण हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह के धार्मिक और शास्त्रीय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। जबकि जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। मित्रों भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती ज़रूर हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। मित्रों गीता के अनुसार कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मित्रों श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दूसरों के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है, अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने के बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको गीता के बहुत ही अनोखे और अद्भुत ज्ञान के बारे में बताया। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।